हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विद मी। तो आज मैं करवाने वाली हूँ क्लास 11th का पहला और दूसरा चैप्टर, यानी कि आज मैं करवाने वाली हूँ वन शॉट। एज़ एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है इसलिए हम वन शॉट करने वाले हैं, यानी कि हम रिवाइज करेंगे सारे चैप्टर्स का। तो पहला चैप्टर क्या है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। तो इसका मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको करके जाना है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टाइटल द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको करके जाना है। और मेरा गला बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो गया है इसलिए आवाज़ थोड़ा चेंज आ रहा होगा, इसके लिए माफ़ी। अगर थोड़ा गंदा आ रहा है आवाज़ तो सॉरी, क्योंकि मुझे वन शॉट ख़त्म करवाना है इसलिए रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो अब देखो, इस चैप्टर पर जो ऑथर है वो अपने ग्रैंड मदर के बारे में बात करते हैं। तो वो बोलते हैं वो अपने ग्रैंड मदर को पास 20 ईयर्स से जानते हैं, और जब से वो उनके ग्रैंड मदर को जानते हैं तब से वो ओल्ड और रिंकल्ड है, यानी कि उनके फेस पर झुर्रिया है। तो फिर वो बोलते हैं कि उनको लोग बोला करते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर भी कभी यंग थी, कभी प्रीटी थी, और उनका भी एक हस्बैंड था। फिर वो बोलते हैं उनका ग्रैंडफादर जो है उनका तस्वीर ड्राइंग रूम के मेंटल पीस पर हैंग था, मेंटल पीस यानी कि एक शेल्फ की तरह जगह, और उस तस्वीर पर उन्होंने लूज फिटेड क्लॉथ पहन रखा था, एक बड़ा सा टर्बन था यानी कि पगड़ी था, और उनका लॉन्ग वाइट बियर्ड था, दाढ़ी था जो उनके चेस्ट तक आ रहा था, और उनको देख के लग रहा था कि वो 100 ईयर्स के हैं, और उनको देखकर कोई नहीं बोल सकता कि उनका भी एक वाइफ थी, उनका भी चिल्ड्रन था। उनको देख के सब बोलेंगे कि उनके ढेर सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ही है। फिर वो बोलते हैं कि मुझे ये कभी विश्वास नहीं हो सकता कि मेरी ग्रैंड मदर भी कभी यंग और प्रीटी थी। आगे देखो तो यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर उनको और उनके कजिन्स को अपने बचपन की मेमोरी शेयर करती थी कि कैसे वो बचपन में गेम्स खेला करती थी। तो लेखक को और उनके कजिन्स को ये सब स्टोरीज इलॉजिकल लगा करता था, क्योंकि वो अपने ग्रैंड मदर को एज ए चाइल्ड खेलते हुए इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे। उनको लगता था कि जैसे अदर मॉरल स्टोरीज होता है वैसे ही उनकी ग्रैंड मदर भी बोल रहे हैं। तो यहाँ से ग्रैंड मदर का डिस्क्रिप्शन है और आपको यह सब याद रखना है, ठीक है। तो जो ग्रैंड मदर थी वो कैसी थी, थोड़ा सा शॉर्ट थी, फैट थी और स्लाइटली बेंट थी, और उनके फेस पर ढेर सारा झुर्रिया था। और जब से लेखक उनको देख रहे हैं यानी कि पास 20 ईयर्स से, ग्रैंड मदर ओल्ड ही थी। अकॉर्डिंग टू ऑथर जो ग्रैंड मदर थी वो ब्यूटीफुल ज़रूर थी बट वो प्रीटी नहीं थी। तो ब्यूटीफुल और प्रीटी का अंतर क्या है, ब्यूटीफुल यानी कि इनर ब्यूटी, इनर ब्यूटी यानी कि सोल, और प्रीटी यानी कि आउटर ब्यूटी दैट मीन्स फेस। तो वो बोलना चाहते हैं कि उनके ग्रैंड मदर का सोल बहुत ज़्यादा अच्छा है बट वो दिखने में सुंदर नहीं है, ठीक है। तो अब लेखक बोलते हैं कि ग्रैंड मदर पूरे घर में ऑकवर्ड तरीके से चला करती थी, एक स्पॉटलेस वाइट साड़ी पहन के, स्पॉटलेस यानी कि प्लेन वाइट साड़ी पहन के, और उनके हाथ में हमेशा रोजरी का माला रहता था, और एक हाथ उनके कमर में रहता था, ठीक है। और उनका जो हेयर था वो सिल्वर कलर का था यानी कि ग्रे कलर का था, जिसे वो कभी कॉम नहीं किया करती थी, हमेशा वो डिसऑर्गेनाइज ही रहता था, और वो हमेशा प्रेयर किया करती थी जो सुनाई नहीं देता था, ठीक है, इनऑडिबल प्रेयर किया करती थी। तो लेखक ने उनको कंपेयर किया विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन के साथ, क्योंकि विंटर लैंडस्केप माउंटेन में कैसा होता है, पीसफुल और क्लाइम फीलिंग वाला। तो वो बोलते हैं जो मेरी ग्रैंड मदर है वो भी प्योरिटी का एक फीलिंग है, एग्जाम्पल है, लाइफ एग्जाम्पल है प्योरिटी का, वाइट का और पीस का, ठीक है। तो अब देखो, ऑथर वो अपने परिवार के साथ दादी माँ के साथ विलेज में रहा करते थे, और दादी माँ और वो बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। तो सेटल होने के लिए लेखक के पेरेंट्स सिटी में आ गए थे, तो दादी माँ और वो विलेज में अकेले रहते थे। दादी माँ उनको सुबह उठाया करती थी, रेडी किया करती थी स्कूल के लिए, और जब वो लेखक को नहलाया करती थी, रेडी किया करती थी, तब वो हमेशा अपना जो मॉर्निंग प्रेयर है वो जोर जोर से रिसाइट करती थी, और उनको लगता था अगर वो ऐसा करेंगे तो लेखक को ये सब प्रेयर याद हो जाएगा। बट लेखक ये सब क्यों सुनता था, क्योंकि उनको दादी का वॉयस अच्छा लगता था। फिर वो दादी उनको एक वुडन स्लेट देते थे, एक
टाइनी सा अर्थन इंकपॉट देते थे, अर्थन यानी कि क्ले का इंकपॉट देते थे, रेड पेन देते थे, और ब्रेकफास्ट में वो थिक स्लेट चपाती यानी कि बासी चपाती खाते थे, ब्रेड और थोड़ा सा शुगर स्प्रेड किया होता था। ठीक है, अब वो दोनों एक साथ चल के स्कूल जाया करते थे और दादीमा अपने साथ बासी चपाटीज भी ले जाया करती थी विलेज डॉग्स के लिए। ओके, अब आगे देखते हैं। तो दादीमा और लेखक हमेशा एक साथ स्कूल क्यों जाते थे? क्योंकि दादीमा जिस मंदिर में जाती थी वो लेखक के स्कूल के बगल में ही था। तो एक तरफ लेखक स्कूल में बैठकर पढ़ा करते थे और दूसरी तरफ दादीमा बैठकर टेंपल में अपना जो भी बुक्स पढ़ती थी, मतलब कि भगवान का बुक्स, वो सब पढ़ती थी। और जब दोनों का ख़त्म हो जाता था वो दोनों एक साथ चले आते थे वापस। और जब वो वापस आ रहे होते हैं तो विलेज डॉग्स उनके घर तक आते थे घुर्राते हुए, फाइट करते हुए, क्यों? चपातीस के लिए। और जब लेखक के माता पिता सेटल हो गए थे सिटी में तो उन लोगों ने दादीमा और लेखक को भी बुला लिया और वही था उनके फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट। तो जब वो लोग सिटी में चले गए तो वो लोग सेम रूम ज़रूर शेयर करते थे, बट अब दादीमा उनके साथ स्कूल में नहीं जाया करती थी क्योंकि वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था और लेखक को लेने एक मोटर बस आया करता था। तो हाँ, ये मैंने करवा दिया है पहले। तो कुछ साल बाद उनका जो इंटरेक्शन था वो भी कम हो गया, बट कुछ समय तक दादीमा उनको कंटिन्यूसली उठाया करती थी, स्कूल के लिए रेडी भी किया करती थी। बट जब वो लेखक को पूछते थे कि तुमने आज स्कूल में क्या सीखा, तो वो कुछ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का नाम लेते थे, इंग्लिश वर्ड्स का नाम लेते थे, जिससे दादीमा दुखी हो जाती थी। और क्योंकि दादीमा को ये सब लैंग्वेज नहीं आता था तो दादीमा उनको हेल्प नहीं कर पाती थी। और उस नए स्कूल में उनको गॉड रिलेटेड, रिलीजियस रिलेटेड कुछ भी ज्ञान नहीं देते थे, इसलिए दादीमा बहुत दुखी थी और उन्होंने कभी भी इस टाइप के एडुकेशन को अप्रूव नहीं किया था। तो एक दिन लेखक आके उनको बोलते हैं कि आज से हमारे स्कूल में म्यूज़िक लेसन्स भी दिए जाएंगे। ये सुनकर दादीमा और ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई थी। क्यों? अकॉर्डिंग टू दादीमा जो म्यूज़िक है वो इनडिसेंट है, वो बेगर का और प्रोस्टिट्यूट्स का आर्ट है, ये डिसेंट फैमिलीज को बिलोंग नहीं करता। इसलिए दादीमा बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और उन्होंने लेखक से बात करना ही बंद कर दिया था। और जब लेखक यूनिवर्सिटी में चले गए थे तो उनको अपना खुद का रूम मिल गया था और जो कॉमन रिलेशनशिप था, कॉमन लिंक था उनके फ्रेंडशिप का, वो भी ख़त्म हो गया था क्योंकि अब वो लोग सेम रूम में नहीं रहा करते थे और वहीं था उनके फ्रेंडशिप का एंड। ठीक है, तो अब देखो दादीमा बहुत ज़्यादा प्राइवेट बन गई थी और वो अपना पूरा दिन तीन कामों में ही ख़त्म कर देती थी। क्या था कि तीन काम? पहला है स्पिनिंग व्हील, दूसरा है रिसाइट हर प्रेयर और तीसरा है फीडिंग द पैरोट्स। ठीक है, तो अब देखो, तो ये क्वेश्चन बहुत बार किया जाता है कि क्या वो करती थी पूरा दिन में, तो वही ये तीन कार्य आपको लिखना है। तो दादीमा बहुत ज़्यादा प्राइवेट बन गई थी, वो अपने पूरे दिन में व्हील ही स्पिन किया करती थी और सनराइज से लेकर सनसेट तक वो चुपचाप बैठकर अपना प्रेयर ही रिसाइट करती थी। तो अभी आगे देखो, आफ्टरनून में वो स्पैरोज़ को फीड किया करती थी वारेंदा में बैठकर, कोर्टयार्ड में बैठकर वो जो ब्रेस्ट है उसको तोड़कर छोटे छोटे पीसेस में दिया करती थी स्पैरोज़ को, और हंड्रेड ऑफ स्पैरोज़ आके वो खाते थे और उनके आसपास सारे स्पैरोज बैठ जाते थे। कुछ उनके पास बैठते हैं, कुछ उनके पैर पर मतलब कि लेग में बैठते थे, कुछ उनके शोल्डर पर और कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाते थे, बट वो कभी उनको भगाते नहीं थे, वो देखकर बस स्माइल करते हैं। अकॉर्डिंग टू नरेटर वही उनके पूरे दिन का हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है वन मार्क का कि आपको लिखना है दादी माँ का हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर क्या है, तो आप ये लिख दोगे कि फीडिंग द स्पैरोस। ठीक है, तो अब देखो, अब लेखक डिसाइड करते हैं कि वो एब्रॉड जाएंगे अपने हायर स्टडीज़ के लिए।
तो उनको लगता है कि वो लास्ट दादी माँ को देखने वाले हैं क्योंकि वो अब 5 साल बाद आने वाले हैं। तो सब उनको स्टेशन तक छोड़ने आए तो दादी माँ भी आती है और दादी माँ ने उनको हग किया टाइटली और उनके फोरहेड पर किस किया और उनको लगा कि वही दादी माँ के साथ उनका लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है। और जब वो जा रहे थे दादी माँ बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं हुई थी और जब वो 5 साल बाद आए तो दादी माँ फिर से उनको स्टेशन में लेने के लिए आए और जैसे उन्होंने 5 साल पहले उनको देखा था वैसे ही सेम वो 5 साल बाद भी थी और फिर से उन्होंने एक टाइट सा हग दिया उनको और जब उन्होंने हग किया तब भी वो अपना प्रेयर ही रिसाइट कर रहे थे। तो लेखक को लगा एज वो 5 साल बाद आए थे तो दादी माँ का हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर्स स्पेरोज के साथ नहीं लेखक के साथ होगा, बट नहीं, दादी माँ का हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर्स स्पेरोज के साथ ही था। तो अब जिस दिन लेखक आए उसी दिन इवनिंग में दादी माँ ने अपना एक रेगुलर रूटीन फॉलो नहीं किया। क्या किया? दादी माँ ने अपना प्रेयर नहीं किया, उन्होंने कुछ नाइबर्स के औरतों को कलेक्ट किया और एक ड्रम लिया, पुराना सा ड्रम, और उन्होंने गाना गाना स्टार्ट कर दिया। गाना क्यों गा रहे थे, मतलब कि किसके लिए गा रहे थे? होमकमिंग वॉरियर्स के लिए वो गाना गा रहे थे। और जब वो ड्रम बजा रहे थे एज वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज की थी, उनका जो हाथ था वो बहुत ज़्यादा शेक हो रहा था, यानी कि लटक रहा था, ठीक है। और उनके पूरे फैमिली ने उनको बहुत रोका कि ऐसा मत करो क्योंकि वो बीमार पड़ जाएगी, बट उन्होंने किसी का नहीं सुना, वो करती रही। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो बीमार पड़ गई थी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वो माइल्ड फीवर था, कुछ ही टाइम में चला जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू हर वो मरने वाली है, उनका एंड पास आ गया था। इसलिए वो अपना जो प्रेयर है वो कर रही थी, उनको अपना लास्ट आवर किसी के साथ बात करने में गंवाना नहीं था। उनके फैमिली ने बहुत प्रोटेस्ट किया बट वो नहीं सुनती है, वो पीसफुली अपने बिस्तर पर लेट जाती है और अपना जो प्रेयर है वो शुरू कर देती है रोजरी के साथ। वो बोलती है मैंने लास्ट इवनिंग भी प्रेयर नहीं किया है, अब तुम लोग मुझे डिस्टर्ब मत करो। और सडनली क्या होता है, उनका जो रोजरी होता है वो गिर जाता है और उनका फिंगर लाइफलेस बन जाता है और उनका फेस पूरा पीला पड़ गया था, पेल हो गया था, क्योंकि शी वॉज नो मोर। तो अब क्या होता है, जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं उन्होंने उनको बेड से उठाया और बाहर जाके जहाँ पे वो स्पेरोज को फिट किया करती थी वहाँ पे रख दिया और उनको एक रेड कलर के कपड़े से रैप कर दिया, ढक दिया। और तब क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ स्पेरोज आके उनके पास साइलेंटली बैठ जाते हैं। तो नरेटर के मम्मी को क्या लगता है कि स्पेरोस ब्रेड खाने के लिए आते हैं, ब्रेड क्रम्बल्स खाने के लिए आते हैं, बट जब वो लाकर उनको ब्रेड देते हैं तब उन्होंने ब्रेड की ओर देखा भी नहीं क्योंकि उनको एक मेंटल, एक इमोशनल अटैच हो गया था माँ के साथ। और जब पूरे फैमिली ने, मतलब कि फैमिली मेंबर्स ने उनका जो बॉडी है उठाया तो स्पेरोस खुद बा खुद उड़कर चले गए। और जो स्वीपर्स थे उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग जो क्रम्बल्स था ब्रेड का वो उठाकर फेंक दिया। और बर्ड बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल थे उस दादी माँ को लेकर, उन्होंने बिल्कुल भी ब्रेड को नहीं खाया, देखा तक नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल आर टुगेदर, ये पूरा चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा था, फैमिली यूनियन का एक चैप्टर है और बहुत ही काफी सारे प्रॉब्लम से फैमिली गुजरती है, कैसे कैसे वो होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब शुरू करें अपना चैप्टर, ओके सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। अब इसमें क्या होता है, जो इस चैप्टर के लेखक है यानी कि नरेटर है वो कितने साल के होते हैं, 36 साल के। कितने साल के होते हैं, 36 साल के, बिजनेसमैन होते हैं। उनकी वाइफ का नाम होता है क्या, मैरी, ठीक है, मैरी उनकी वाइफ का नाम होता है। उनके दो बच्चे होते हैं, एक होता है जोनाथन और एक होता है सुजैन, ठीक है। जोनाथन 6 साल का होता है, सुजैन 7 साल की होती है और वो एक समुद्री यात्रा पर, समुद्री वॉयज पे निकल जाते हैं जुलाई 1976 में। अब वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इंग्लैंड में एक जगह है प्लायमाउथ, वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, समुद्री यात्रा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उनका क्या मन था, वो एक सी ट्रिप को कंप्लीट करे पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। और ऐसी ही एक समुद्री यात्रा 200 साल पहले की गई थी पूरे वर्ल्ड की, सिर्फ समुद्र से ट्रैवल करना है, और वो किससे की थी, कैप्टन जेम्स कुक ने, ठीक है। अब नरेटर और उनकी वाइफ जो है वो 16 साल लगा देते हैं अपनी सी फायरिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब समुद्री यात्रा में जितने भी स्किल्स की नीड होती है उनको इम्प्रूव करने में जो नरेटर होता है उनकी वाइफ मैरी होती है वो 16 साल लगा देते हैं, ठीक है। उन्होंने एक प्रोफेशनली अपना खुद का शिप बनवाया होता है जो कि 23 मीटर लॉन्ग होता है, 30 टन हैवी होता है और वुड से बना होता है। उन्होंने उस शिप का नाम क्या रखा होता है, वेव वॉकर, ठीक है।
इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वेव वॉकर के बारे में थोड़ी डिटेलिंग्स आप पानी चाहिए, ये क्वेश्चन आता है ठीक है। दे टुक सेवरल मंथ, उन्होंने बहुत मतलब शिप बनने के बाद उन्होंने बहुत सारे मंथ्स लगा दिए इस शिप को टेस्ट करने के लिए, वो भी बेकार से बेकार मौसम में भी ठीक है। अब क्या होता है, उनकी पहले 3 साल की जर्नी वो बता रहे होते हैं कि पहले 3 साल की जर्नी उन्होंने कैसे कैसे की ठीक है। जो इनिशियल फेज था उन्होंने क्या किया, 105,000 किलोमीटर तो बहुत शांति से प्लीजेंटली उन्होंने पास कर दिए 3 सालों में ठीक है। उन्होंने वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेकर केप टाउन तक उन्होंने समुद्री यात्रा की 3 सालों में। अब जो नरेटर थे उन्होंने 2 क्रूमैन को हायर कर लिया था ठीक है, और उनका क्या नाम था, 2 क्रूमैन का नाम अभी आगे बताएंगे ठीक है। उनकी वजह से थोड़ा और मतलब लाइक कोऑपरेशन मिल गया, सपोर्ट मिल गया नरेटर को ठीक है। अब उन्होंने क्यों हायर किया था, क्योंकि अब वो हेड कर रहे थे सर्दर्न इंडियन ओशन में और वहां पे बहुत ज्यादा बेकार वेदर रहता है, रफेस्ट सी वेदर रहता है, इसलिए उन्होंने 2 जनों को और हायर कर लिया। और उनका नाम क्या था, लैरी विगिन जो कि एक अमेरिकन थे और एक हब सीगलर जो कि एक स्विस थे ठीक है। अब सेकंड डे जो था उनका केप टाउन में, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग विंड का सामना किया ठीक है। कई हफ्तों तक वो स्ट्रॉन्ग विंड चलती रही, स्ट्रॉन्ग विंड ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो तेज हवाओं के साथ साथ वेव्स तो बनेंगी, वो वेव्स उनको बड़ी दिक्कत कर रही थी, क्योंकि नरेटर को, क्रूमैन को, फैमिली को ठीक है। 15-15 मीटर ऊंची वेव्स लहरें जो है वो आ रही थी, और जो शिप का वो मास्ट नहीं होता, वो लंबा सा मतलब बड़ा सा कपड़ा, उसकी हाइट जितनी तो वेव्स ही थी ठीक है, जिसकी वजह से नरेटर को चिंता होने लग गई थी। 25 दिसंबर को उन्होंने कितना ट्रैवल कर लिया था, केप टाउन के ईस्ट से 3500 किलोमीटर जो उन्होंने ट्रैवल कर लिया था। उन्होंने क्रिसमस साथ में मनाया, बेशक बैड वेदर था और वेदर जो था वो सेम रहा था न्यू ईयर तक ठीक है, और वो होप कर रही थी कि यार ये जो वेदर है वो जल्दी जल्दी चेंज हो जाए, लेकिन उनकी होप का कोई फायदा नहीं हुआ, वेदर कंडीशंस जो थी वो और ज्यादा भयंकर होती जा रही थी। फिर 2 जनवरी की सुबह सुबह वेव्स जो है वो और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आने लग गई थी ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक स्मॉल स्ट्रॉन्ग जिप थी, मतलब एक ऐसा ही पर्दा सा होता है वो था स्मॉल वाला, उसकी जो वो यूज कर रहे थे वो सेलिंग करने के लिए ठीक है, समुद्र यात्रा करने के लिए, और उसको देख के ऐसा लगा था कि जो विंड है उसकी स्पीड कितनी है, 8 knots की ठीक है। देवर सेलिंग विद अ स्मॉल स्टॉर्म जिप और वो 8 knot की स्पीड से चल रही थी ठीक है। अब जब शिप जो था वो सेल कर रहा था, तैर रहा था ह्यूज वेव्स के साथ, तो देख रहे थे कि उनके आगे कितना विशाल समुद्र है ठीक है। उन जो नॉइस थी उन लहरों की और जो स्ट्रॉन्ग विंड थी वो इतनी ज्यादा दर्दनाक थी, इतनी ज्यादा पेनफुल थी कानों के लिए भी ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये जो स्ट्रॉन्ग जिप थी ना, छोटा सा कपड़ा था, इसको हटा दिया था ताकि शिप जो है वो थोड़ा धीमा हो जाए, स्लो डाउन हो जाए ठीक है। उन्होंने एक रस्सी लगा दी थी ताकि जो शिप का बैक पार्ट है वो थोड़ा बचा रहे ठीक है। अब उन्हें हर चीज करनी पड़ रही थी, जैसे कि जो व्हील का स्टेयरिंग होता है उसको बहुत डबल फोर्स के साथ घुमाना पड़ रहा था, हर चीज डबल फोर्स के साथ होती जा रही थी है ना। उसके बाद उन्होंने अपनी स्किन पर क्या लगा लिया, ऑयल स्किन लगा लिया ताकि हमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम ना आए, लाइफ जैकेट पहन ली कि कहीं हम डूब जाए तो बच भी जाए ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, राफ्ट ड्रिल्स देखी कि मतलब अगर हमें कूदना भी पड़ गया शिप से तो हम कैसे राफ्ट करेंगे ठीक है, और वेट किया ताकि वेदर जो है वो ठीक हो जाए। फिर 6 बजे के आसपास क्या होता है, एक अचानक से गहरा सा सन्नाटा छा जाता है हर जगह पर, और ये सन्नाटा कुछ ऐसा होता है जैसे अगले ही पल जो है वो प्रलय आने वाले, डिजास्टर आने वाला है। थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा है इस चैप्टर में, क्या आगे देखते क्या होता है। विंड जो है एकदम ही रुक जाती है, उसके बाद स्काई जो है मतलब आसमान जो उसमें उमड़ उमड़ के गहरे गहरे बादल आ रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो है वो शिप के स्टर्न पर आ रहे होते हैं, मतलब शिप के ऊपर ही आ रहे होते हैं। और नरेटर ने रियलाइज किया कि यार अब तो पक्का बहुत बड़ी वेव आने वाली है ठीक है, और वेव जो होगी वो सीधी खड़ी होगी ठीक है। और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जितनी पहले हाइट की वेव थी यानी 15 मीटर उससे तो डबल वेव आई यानी 30 मीटर आएगी ठीक है। तो ऐसे ऐसे उसको बहुत वरी करने लग जाते हैं। अब क्या होता है, तूफान स्टार्ट हो जाता है, थंडर स्टार्ट हो जाता है, और वेव जो है वो बोट के बैक से टकराने लग जाती है ठीक है। दे थॉट दैट, उन्होंने ऐसे सोचा कि शायद कोई डैमेज ना करे, लेकिन उन्होंने जो है वो एक शिप का डेक होता है ठीक है, उसको बहुत तगड़ा एक्सप्लोजन पहुंचा दिया था उन वेव्स ने ठीक है। अब क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग मूविंग स्ट्रीम्स थी, ये जो इतने वेव्स ऐसे बह रही थी ग्रीन और व्हाइट कलर की वो दिख रही थी, उन्होंने शिप को पूरी तरीके से तोड़ दिया होता है ठीक है। नरेटर ये सोच रहे थे कि शायद ऐसा नहीं होगा, बट ऐसा हो गया। नरेटर का जो हेड था मतलब जो सर था वो पूरी तरीके से शिप के व्हील में जाके लग गया ठीक है, उन ही फ्लू ओवरबोर्ड एंड सैंक बिलो द वेव्स। उसके बाद वो शिप से ही गिर गए और वेव्स के साथ बह गए ठीक है। उन्होंने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था कि भैया तो मेरी मौत हो ही जाएगी, और उन्होंने अपना जो होश था वो भी खोना शुरू कर दिया था, और अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बहुत शांति में जा रहे हैं। मतलब जब भी किसी की डेथ होने वाली होती है ना तो बिल्कुल शांति में चला जाता है इस तरीके से। तो नरेटर ने अपनी डेथ कबूल कर ली थी कि अब तो मेरी डेथ होगी है ना, लेकिन अचानक से क्या होता है, नरेटर का जो सर होता है ना वो वाटर से बाहर आ जाता है, शिप जो है बिल्कुल पलटने वाला होता है, लेकिन दोबारा से कहीं से वेव आती है और शिप को सीधा खड़ा कर देती है ठीक है। उनकी जो लाइफ जैकेट होती है वो स्ट्रेच हो जाती है, फिर उन्होंने शिप के ऊपर किसी भी तरह चढ़ने का कोशिश किया पोल की वजह से है ना, और वेव जो थी यानी कि जो लहरी थी वो डेक को पिछले हिस्से को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी। उन्हें बहुत तगड़ी चोट लगी थी जिससे कि उनके जो रिब्स है लेफ्ट वाले से वो बिल्कुल ही टूट गए थे, उनके मुंह में खून आ गया था, उनका दांत भी टूट गया था है ना। उन्होंने व्हील को फाइंड किया, मतलब कि उस शिप के व्हील को फाइंड किया, और उसके बाद उन्होंने अगली वेव का वेट किया, थोड़े बहुत स्टर्न्स लगा दिए, मतलब वो पर्दा सा लगा दिया और उन्होंने वेट किया। अब हर जगह जो है वो पानी फैला होता है, नरेटर फील कर रहे होते हैं कि यार पानी तो शिप के अंदर भी घुस गया है ना, वो जो है शिप के व्हील को छोड़ नहीं सकते हैं ठीक है। एक जगह तो पानी भरा और व्हील को छोड़ भी नहीं सकते तो कैसे करेंगे ठीक है। अब सडनली जो फ्रंट डोर है वो ओपन होता है शिप का, भागी भागी उनकी वाइफ आती है मैरी चलाते हुए कि हम डूब रहे हैं हमें बचाओ इस तरीके से। शी सेड, वो कहती है हमारा जो बोट का पिछले वाला हिस्सा है वो बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है, हम पूरी तरह पानी से भरे हुए हैं। फिर नरेटर ने क्या किया, व्हील को संभाला और उसके बाद डोर की तरफ वो चढ़ने लग गए ठीक है। अब डेक क्या होता है, शिप का फ्लोर ठीक है। जो क्रूमैन होते
हैं जिनको नरेटर ने हायर किया था, जिनका नाम लैरी और हर्ब होता है, वो फटाफट से जो पानी भर गया था ना शिप में उसको पंप करने में लगे होते हैं, मतलब बाहर फेंकने पे लगे होते हैं। और जो शिप की लकड़ी थी, जो टिम्बर थी, वो बुरी तरीके से टूट जाती थी, फ्लोर ही टूट गया है ना, और अलग अलग जगह पर हैंग कर रही होती है। जो शिप का स्टारबोर्ड होता है, मतलब आगे का हिस्सा जो होता है, वो पूरी तरह डूब जाता है। जितने भी क्लोथ्स वो अपने साथ लेके आए थे, क्रॉकरी लेके आए थे, चार्ज, टिन, टॉयज, सब के सब आसपास पानी में फैले होते हैं। अब नरेटर जो है वो स्विम करता हुआ जाता है, अपने बच्चों की तरफ क्रॉल करके मतलब रिंग रिंग के जाता है, और अपने बच्चे से पूछता है कि तुम ठीक हो ना, तो बच्चे कहते हैं कि हाँ हम ठीक हैं। जो स्यू है उनकी बेटी जो कि 7 साल की है, उनके सर पे बहुत बड़ा ऐसा गोला सा आ जाता है, बम्प आ जाता है, ठीक है। नरेटर इतनी ज्यादा टेंशन उसकी बेटी पर देते नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा काम उस टाइम पे ये था कि वो किसी भी तरह उन सबकी जान बचा ले, ठीक है, शिप को किसी भी तरह बचा ले, और ये सब चोटें तो बाद में भी ठीक हो जाएंगे। तो नरेटर ने बहुत सारे पेचकस, जिसको हम नट वगैरह है, हैमर वगैरह है, कैनवस है, वो सब ढूंढा, डेक के पास गया, मतलब फ्लोर के पास गए, उन्होंने देखा कि जो ब्रोकन स्टारबोर्ड साइड है, मतलब जो टूटी हुई स्टारबोर्ड की साइड है, वहां पर ना उस जगह से बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, ठीक है। सो नरेटर जो है, अगर उन्होंने इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं किया तो जल्दी से जल्दी डूब जाएंगे, ठीक है। तो नरेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो उस चीज को ठीक कर दें। अब नरेटर ने क्या किया, कपड़ा लिया, कपड़ा थोड़ा वाटर प्रूफ लिया, उसके बाद जहां जहां पर भी गड्ढे थे वहां वहां पर उन्होंने वो वाटर प्रूफ कपड़ा लगा दिया, क्योंकि वो नई लकड़ी तो कहां से लाएंगे, है ना। अब उसके बाद जो शिप का हैंडपंप था वो भी ब्लॉक हो गया था, बहुत बुरी तरीके से ब्लॉक हो गया था, है ना, और वो टूट भी गया था, ठीक है, और अलग अलग जगह पर पंप वगैरह पे शॉर्ट सर्किट हो गए थे, ठीक है। अब वाटर लेवल जो है वो बढ़ने लग गया था, शिप में बहुत ज्यादा पानी आ गया था। नरेटर ने 2 हैंडपंप पाए जो कि रोप जो कि टूट गए थे, रिमूव हो गए थे, और रोप, जिब, स्मॉल बोट और भी बहुत सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं पर गिरी हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक पंप लिया और उसको जोड़ने की कोशिश करी पाइप की वजह से, रोप की वजह से, और उसके बाद वो हैंडपंप जो है वो काम करने लग गया था। ऐसे से उन्होंने बहुत सारी शिप की चीजें ठीक करनी स्टार्ट कर दी, जहां पर टूट गया था वहां पर वाटर प्रूफ कपड़े लगाए, हैंडपंप ठीक किया, इलेक्ट्रिक पंप ठीक किया, पेच करते अलग अलग चीजें ठीक करने लग गए थे ना। पूरी रात उन्होंने पानी को पंप करना स्टार्ट किया, व्हील को स्टर्न करना स्टार्ट किया, रेडियो के साथ काम करना स्टार्ट किया, लेकिन जिस इलाके में वो थे, मतलब जिस इलाके में उनका जहाज था, वो पूरे वर्ल्ड का रिमोटेस्ट पार्ट था, ठीक है, कोई रिप्लाई नहीं मिला था रेडियो स्टेशन से। अब जो सी उनकी जो बेटी है, उनकी सर पे जो बम्प आ गया था, वो और ज्यादा सूजा हुआ हो जाता है, उसकी आंखों में कट लगा होता है, उनकी बेटी की आंखों में कट लगा होता है, जहां पर खून आ रखे होता है, और उनकी आंखों से खून आ रहा होता है, आम तक पहुंच जाता है। तो जो नरेटर है वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटा तुमने पहले क्यों नहीं बताया जो तुझे चोट वगैरह लगी हुई होती है। कहती है नहीं नहीं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो है वो हमारी जान बचाओ, बस इतना काफी है, और ये सब तो बाद में होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके सपोर्ट करते हैं। अब वाटर लेवल जो है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है 3 जनवरी तक, और वो सबके सब क्रूमैन, मैरी, उनकी जो वाइफ होती है, उनके जो दोनों बच्चे होते हैं, नरेटर है, वो 2 घंटे का रेस्ट लेते हैं, और फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी जो है लीक कर रहा होता है, ठीक है। चेक करने के बाद ये पता चलता है कि जो बोट का रिप स्ट्रक्चर था वो भी बुरी तरीके से टूट गया है, शिप का जो बेस है यानी नीचे का तल का हिस्सा है वो भी बुरी तरीके से टूट गया है, स्टार बोर्ड भी बेकार हो चुका है, तो अलग अलग जगह से शिप जो है वो टूटा हुआ होता है। शिप की कंडीशन इतनी ज्यादा बेकार होती है, इतनी ज्यादा बेकार हो जाती है कि शायद ऐसा लग रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तो नरेटर जो है वो शिप के जो चार्ट्स वार्ड्स होते हैं उनकी तरफ देखने लग जाते हैं, कैलकुलेट करने लग जाते हैं कि हमें सबसे पास वाला आइलैंड कहाँ पे मिलेगा, किस दिशा में मिलेगा। और उन्होंने देखा कि एक हमें आइलैंड मिलेगा इले एम्स्टरडैम नाम का, आपने सुना भी होगा इस जगह का नाम इले एम्स्टरडैम, वहां पर फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, ठीक है। तो वो इस आइलैंड की तरफ जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं, क्योंकि कम रास्ते में उनको मिल जाएगा, ठीक है। उनकी एकमात्र होप ये थी कि उस आइलैंड की तरफ वो किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाए, और बट ओनली इफ द विंड, अगर लेकिन वो तभी पहुंच पाएंगे जब तक विंड नहीं आएगी, या फिर सी जो है वो उस शिप को और ज्यादा डैमेज ना पहुंचा दे। लेकिन उन सबके उस आइलैंड तक पहुंचने के जो चांसेस थे वो बहुत ज्यादा कम थे, वो बस होप लगाए बैठते थे कि काश ऐसा हो जाए, ठीक है। द वेव हैड डिस्ट्रॉयड द शिप इंजन, और वेव्स की वजह से जो शिप का इंजन था वो भी बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका था, बेकार हो चुका था। अब क्योंकि उन्हें 36 घंटे हो गए थे उन सभी लोगों को वाटर पंप करने में, मतलब शिप से पानी बाहर निकालने में, तो 4 जनवरी को बहुत कम पानी बच गया था निकालने के लिए, ठीक है। बट दे स्टिल हैड टू पंप, लेकिन उन्हें फिर भी पानी जो है वो निकालना पड़ रहा था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, एक शिप था उसके ऊपर उन्होंने वो स्ट्रॉन्ग जिब लगाई, उसके बाद स्ट्रॉन्ग जिब की वजह से वो अच्छे से ट्रैवल कर पा रहा था शिप, है ना, और वो सेल करते रहे उन दोनों स्मॉल आइलैंड्स की तरफ, ठीक है। दे हैड देयर फर्स्ट मील, उन्होंने उसके बाद 2 दिन में उन्होंने पहली बार खाना खाया, खाना वगैरह तो सब चला ही गया था, लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत बीफ मिल गया, ठीक है, बिस्किट्स मिल गए मैरी को, तो उन सबने उसी से अपना भोजन कर लिया था, ठीक है। रेस्ट का टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ब्लैक क्लाउड्स जो 4 बजे तक बनने स्टार्ट हो गए थे, अब जो है 40 नॉट की स्पीड से हवाएं जो है वो बह रही थी, वेदर जो बहुत वर्स होता चला जा रहा था, और 5 जनवरी तक तो बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी, किसकी, वेदर की, ठीक है। अब व्हेन द नरेटर वेंट टू कंफर्ट हिज चिल्ड्रन, अब जब नरेटर अपने बच्चों के पास आते था कि वो उनको थोड़ा कंफर्ट करेगी, बेटा कोई चिंता वाली बात नहीं है, सब हम सब बच जाएंगे, ठीक है, तो उसका सन उससे पूछता है कि क्या पापा हम मरने वाले हैं इस तरीके से, ठीक है। तो उनको एश्योर करवाते हैं, नरेटर उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं बेटा मरेंगे नहीं, हम किसी भी तरीके से कर लेंगे, इस सिचुएशन को हम पार करेंगे। तो उसका सन रिप्लाई करके उनको उनका बेटा कहता है कि पापा हम डरेंगे नहीं, और अगर हम जो है सबके सब साथ खड़े रहेंगे ना तो हम जो है वो बिल्कुल भी नहीं मरेंगे और ना हम उसे डरेंगे, ठीक है। तो अब इस अपने बेटे की इस बात को सुनकर नरेटर जो है वो बहुत ही ज्यादा डिटर्मिनेशन में आ जाता है, वो सोचते नहीं मुझे इस वेदर से लड़ना है तो लड़ना ही है, ठीक है। ही मेड एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द, उसके बाद जो स्टारबोर्ड का जो पोर्शन था शिप का वो टूट गया था, तो नरेटर ने बहुत कोशिश करी कि वो स्टारबोर्ड को ठीक कर दे, क्योंकि वहां से काफी ज्यादा पानी जो है वो शिप के अंदर आ रहा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो नायलॉन कपड़े की रस्सियां होती हैं वो ली, कुछ प्लास्टिक बैरल्स लिए, केरोसिन वगैरह लिया 22 लीटर, और उन्होंने स्टारबोर्ड को ठीक करना शुरू कर दिया। और फिर जो नरेटर होते हैं उनकी वाइफ जो होती है वो हाथ पकड़े रहते हैं एक दूसरे का, और वो बिलीव करते हैं कि वो इस
से निकल जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से दोनों एक दूसरे को सहानुभूति देते हैं। दिस शिप मेड इट थ्रू द स्टॉर्म। अब उसके बाद जो स्टॉर्म तूफान आ रहा होता है, वो जो शिप होता है वो उसके अंदर से भी निकल जाता है। फिर 6 जनवरी की मॉर्निंग आती है, नरेटर जो है वो ट्राई करते हैं सेक्सटेंट को रीड करने के लिए। अभी सेक्सटेंट क्या होता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हाइट को नापता है, जो कि हवा को नापता है कि हवा कितने नॉट्स की चल रही है, हम कितने हाइट पे हैं, समुद्री तल से कितने ऊंचाई पर है। तो ऐसे से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि उस चीज को पढ़ने की कोशिश करता है। अब नरेटर ने वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने देखा कि विंड की कितनी स्पीड चल रही है, कहाँ से विंड आ रही है, कितनी ज्यादा लंबी लहरें हैं, और उन्होंने कोशिश ही कैलकुलेट करने की कि अभी हम एक्चुअल में है कहाँ और हमें उस आइलैंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा और किस डायरेक्शन में हमें मुड़ना चाहिए, ठीक है। अब क्या था, देवर 1,50,000 किलोमीटर, वो जो थे समुद्र के 1,50,000 किलोमीटर के एरिया में थे, है ना। और उन्हें ये पता चल गया था कि यहां से जिस जगह पर अभी हम है वहां से 65 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा आइलैंड है, ठीक है। अब नरेटर स्टिल सोच में लगे हुए थे। फिर उनकी जो डॉटर है सियू, वो उनके पास आ जाती है, लेकिन डॉटर को बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, जो उनकी डॉटर का लेफ्ट साइड होता है वो बहुत बुरी तरीके से सूज रखा होता है, उनकी बेटी की आंख जो होती है वो बिल्कुल काली हो जाती है और एकदम पतली पतली हो जाती है और उनकी आंखों में कट लगा होता है। किसकी आंखों में, सियो की आंखों में, ठीक है। कितनी बात समझ में आई। अब क्या होता है, वो अपने पापा को एक कार्ड बना के देती है, उसके ऊपर उस कार्ड के ऊपर एक चीज लिखी होती है कि हम सारे कितने फनी है, सब एक दूसरे को हंसाते रहते हैं, ठीक है। और कार्ड के अंदर लिखा हुआ था कि कैसे वो जो बेटी है उनकी, वो अपने दोनों मम्मी पापा को बहुत प्यार करती है, उन दोनों को थैंक यू करती है, ठीक है। दे मेड द नरेटर रियलाइज, और इस चीज की वजह से जो नरेटर होते हैं, जिनके पापा होते हैं, वो रियलाइज करते हैं कि अब तो हमें किसी भी तरह हर हालत में आइलैंड तक पहुंचना है, हमें हार नहीं माननी। नरेटर अपनी कैलकुलेशन को दोबारा रीचेक करते हैं कि 65 किलोमीटर ही है ना, अभी नहीं है, ठीक है। उन्होंने अपना मेन कंपास खो दिया था, तो दूसरे कंपास से काम चला रहे थे, लेकिन वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था वो कंपास, ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा कि वेस्टर्ली करंट्स जो है वो उन्हें कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, है ना, और इंडियन ओशन का फ्लो कैसा है। तो 2 बजे के आसपास वो डेक पे गए और लैरी को कहा कि तुम ना उस जो विंड का, जो शिप का स्टीयरिंग है वो 185 डिग्रीज की तरफ मोड़ दो, ठीक है। ही फेल्ट कि नरेटर को लगा कि अगर हम असली में लकी होंगे तो हम आइलैंड में 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, और अभी फिलहाल कितने बजे रखे थे, 2 बजे रखे थे। तो नीचे जाते हैं शिप के और सो जाते हैं। जैसे ही वो उठते हैं 6 बजे, तो हर जगह डार्क ही डार्क होता है, ठीक है। उन्होंने सोचा कि शायद यार हमने तो आइलैंड मिस कर दिया, वो वरी हो जाते हैं कि अब हम कैसे उन विंड्स का सामना करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो हमारा जो अंत है वो पक्का है, ठीक है। फिर उनकी डॉटर उनके पास आ जाती है और उनकी डॉटर जो है वो उन्हें हक कर लेती है, तो पूछते कि आपने मुझे हक क्यों किया बेटा। तो ऐसे डॉटर आ जाते हैं, सन भी आ जाते हैं, तो उनका सन बोलता है कि आप जो हो वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो और बेस्ट कैप्टन भी हो। तो नरेटर बोलते हैं कि बेटा मैं तो बहुत डरा हूँ, हमने आइलैंड भी मिस कर दिया है। तो सियू बोलते हैं कि अरे आइलैंड तो बाहर ही है, ठीक है, हमने जो है वो बहुत बड़ी जीत जो है वो हासिल कर ली है, ठीक है। द नरेटर रश टू द डेक, नरेटर जो बोट के पिछले हिस्से में जाते हैं, बहुत रिलीफ का उन्हें साइन मिलता है। वो देखते हैं कि हम एम्स्टरडम के आइलैंड की आउटलाइन पर ये है, वो एक वॉल्केनिक रॉक थी, ठीक है, और उनके सामने ही वो वॉल्केनो है, ठीक है, वॉल्केनो आइलैंड है, ठीक है। इट हैड अ लिटिल वेजिटेशन, बहुत कम वेजिटेशन थी, बहुत कम प्लांट्स ट्रीज वगैरह उसके ऊपर है और अलग अलग तरीके के हैं, और बहुत सुंदर आइलैंड है वो वर्ल्ड का, ओके। आप क्या होता है, वो अपनी शिप को बहुत ज्यादा फास्ट करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग तक वो किसी भी तरह उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। तो एम्स्टरडम आइलैंड पर रहने वाले 28 इनहैबिटेंट्स जो है वो उनको हेल्प करते हैं कि तुम शिप से बाहर आ जाओ और लैंड पे आ जाओ। तो जैसे ही नरेटर के पैर उस जमीन पर पड़ते हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये सब जो है वो मेरी वाइफ की वजह से, क्रूमैन की वजह से भी पॉसिबल हो पाया, मेरे बच्चों की वजह से भी पॉसिबल हो पाया। उन्होंने सोचा कि मैं कैसे मेरी 7 साल की बेटी जो कि इतनी इंजर्ड है बैडली, उसको क्या हाल हो रहा होगा, है ना। उसके बाद उनकी बेटी को 6 माइनर ऑपरेशन के थ्रू गुजरना पड़ा, क्योंकि उनका जो सर था वो सूज गया था, उसके अंदर ब्लड क्लॉट बन गया था, तो उसे रिमूव करवाना पड़ा। और उनके सन, उन्होंने बहुत एनकरेज किया, उनका बेटा कभी नहीं डरा मरने से, उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। तो ये देखा कितनी ज्यादा अच्छी स्टोरी है, कैसे उन्होंने सारी मुसीबतों का सामना किया, फैमिली एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन उनके लिए बनी, है ना। तो इस तरीके से हमारी जो कहानी है वो खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।